डॉक्टर नम्रता मालपानी वाईमी डायरेक्टर। आपका अगर टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ का और साथ में महीने का करके 2024 के साथ में मिला के अगर आपका अंक आता है 2, तो हम उसके लिए बताना चाहेंगे कि 2 अंक वालों को अभी इस साल के लिए अगर 2024 के हम बात करें तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे बहुत सारा सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं 2 नंबर हमारा चंद्रमा का नंबर है, तो हम कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस में भी चले जाते हैं। और क्योंकि 2024 में ऑलरेडी हमारे साथ में 2 नंबर 2 बार आ ही रहा है, तो ये भी विशेषताएं जो भी 2 नंबर की होंगी वो आपके आपके 2 नंबर के साथ में और ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें पर्सनालिटी ग्रोथ में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप अपने कर्म से अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे या लोगों से मिलेंगे या उसके बारे में सोचेंगे और उस पर काम करेंगे, तो नो डाउट इस बार आपका व्यक्तित्व बहुत ही निखर के आने वाला है। इसके साथ में आप दूसरों की सेवा करने में कहीं भी चूक नहीं करेंगे, तो नो डाउट वैसे भी 2 नंबर के लोग हमेशा दूसरों की सहायता करने में अग्रसर होते हैं। बट जब 2024 आएगा तो ये चीज, ये परिवर्तन आपने अपने आप में नजर आएगा। आप कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वाइब भी है, पॉजिटिव साइन भी है। या आप ऐसा कर लें, कह दें कि भगवान भी दूसरों की मदद करने वालों की मदद करता है, तो ये एक पॉइंट आपको बहुत सारा सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ में आप अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से टाइम दे पाएंगे, आप अपनी फैमिली के साथ समय बिता पाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आप इस समय पे थोड़े इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे। तो हम सबसे पहले अपने परिवार के साथ में ही इस भावुक पार्ट को अगर बोलें तो पूरा व्यतीत करेंगे। साथ में आपको एक और चीज का बहुत ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि इस समय पे हम भावुक रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी गलतियां भी कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी ना हो, लेकिन हमको वो समय को बहुत शांति से, बहुत धैर्य से निकालना है। हमारी कोई भी चीज, हमारी एक छोटी सी गलती भी हमें नुकसान दे सकती है, तो इसलिए पेशेंस रखिए, शांति से हर समस्या का हल ढूंढिए, जरूर मिलेगा। इसके साथ में कुछ मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, हम अगर टीनेजर्स की बात करें, युवाओं की बात करें, तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती रहती है, हमारे लव अफेयर्स रहते हैं, तो दोस्तों तैयार रहना। हो सकता है इस समय पे आपको ब्रेकअप्स का सामना करना पड़े, लेकिन मैं बार बार एक बात हमेशा हर बार बोलूंगी, हर नंबर पर बोलूंगी, हमारे कर्म ही हमारी चीजों को पक्का करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इन चीजों का हमें सामना ना करना पड़े, तो ध्यान से, धैर्य से, शांति से अपने सभी डिसीजंस लें, तो शायद हो सकता है हमें ये ब्रेकअप्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़े हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि नंबर 2 की भावुकता, जो हमने बताया कि भावुक रहेंगे आप, उसके कारण कई बार हमें ऐसा लगता है कोई हमारा नहीं है, हम बहुत अपने आप को अकेला फील करते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद इस संसार के सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हम ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी सोच को एक पॉजिटिव वाइब्स की तरफ लेके जाएंगे, सकारात्मकता ऊर्जा की तरफ अगर आप बात करेंगे, तो आपको लगेगा आपके साथ भगवान हमेशा है और आप इस पल से बहुत जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इसका सही में आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे 2 नंबर का असर तो आएगा ही आएगा, तो क्यों ना मैं इसका उपाय पहले ही कर लूं, तो मेरा आपको यही सलाह मैं देना चाहूंगी कि आप एक ब्रेसलेट जरूर पहने। अब आप कहेंगे कि वो ब्रेसलेट कौन सा होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगी, आप मोनस्टोन पहन सकते हैं, सेलेनाइट पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ चीजें जो भी ऐसी होने वाली होंगी, वो उनको कहीं ना कहीं रोकने में आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि आपका नंबर जो एक नॉर्मल नंबर है, मतलब कि अगर हम ये कैलकुलेशंस भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ 2 है या फिर 11 है, तो हमारा टोटल अंक 2 ही आता है। इसलिए भी हमको, अगर हम ये ब्रेसलेट्स पहनेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिलेगी। इसके साथ में आप अपने को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए
टाइगर आई भी पहन सकते हैं। ये ब्रेसलेट आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं और हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, या हम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, छोटी सी चोट पर भी हमें रोना आने लगे, या किसी ने कुछ बोला और हमारी आंखों से आंसू आने लगे, तो टाइगर आई आपको हेल्प करेगा, आपको थोड़ा स्ट्रांग बनाएगा और आपको वो डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। इस नंबर दो के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। मेरा आपको सजेशन है, जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेडिटेशन में ज़रूर जाइए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप कहीं ना कहीं कनेक्शन कृष्णा के साथ बना पाएंगे, भगवान के साथ बना पाएंगे, प्रभु के साथ बना पाएंगे, और वो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके आगे के मार्गदर्शन में वो आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो कुछ इन सारे उपायों के साथ में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे भी दो नंबर वाले लोग अपने आप को कहीं कम मानेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आपकी बहुत सारी चीजें इस साल में पूरी होने वाली हैं। तो फोकस करिए अपनी उन चीजों पर जो आप पाना चाहते हैं, जिनके बारे में आप विचार कर रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं, बजाय इसके कि हम कहीं ब्रेकअप्स में या फिर कहीं किसी दूसरी चीज में उलझ जाएं और उसके कारण हम हमारा मानसिक संतुलन खराब करें। उससे ज्यादा बेहतर है कि हम हमारे कर्म बढ़ा दें, जो हम पाना चाहते हैं उसमें हम हमारे दिमाग को और ज्यादा लगा दें, और उन चीजों को पाने के लिए सुबह से शाम हम उसी में ही पूरा अपने को तल्लीनता से उस काम के लिए सोचें, विचार करें, तो शायद हम इस किसी भी प्रॉब्लम के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो ये था हमारा नंबर दो, यानी कि चंद्रमा